एवरीवन, वेलकम टू दीप प्रीत व्लॉग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। सुबह के बज रहे 11, सुबह तो नहीं, अब दोपहर ही हो गई और हम कर रहे नाश्ता बहुत लेट से। और हम क्या खा रहे थे दिखाती हूँ। आज हम खा रहे साग और पराठे, और इसके बाद आज हम जाएंगे एक खास जगह, उस जगह जाके बताऊँगी हम कहाँ जा रहे हैं। आज के दिन ही हमारे फेरे भी हुए थे, मैं बताना चाहूँगी आपको। आज हमारी शादी को 1 साल हो गया, इस समय हम सफ़र कर रहे थे। फेरे नहीं हुए थे, बारात थी हमारी। हाँ, मैंने क्या बोला? हमारे फेरे हुए थे। फेरे नहीं, आज हमारे वो हुए थे जयमाला। और हम करें नाश्ता, आ गई शायद। और हम खा रहे साग और पराठा। और प्रीत के दांत नहीं है ना पीछे से, मजाक कर रही हूँ। क्योंकि छोड़ा आपने ऐसे, कच्चा है वो। कहाँ से कच्चा है? देख पहले कितना मोटा है, इतना मोटा। और तू ये खा ले पहले, वीडियो बाद में बना देना। सो हम जा रहे हैं गुरु नानक जयंती में। हाँ। गुरुपुरब में जो मनाया, सारे मेंबर जा चुके हैं, बट प्लीज तैयार ही नहीं होते जल्दी। इमोशनल डैमेज, ये बोलना जरूरी है। प्रीति बहुत लेट लगाई। हाँ, मैं 4 घंटे से लगातार तैयार हो रहा था, मेरा कच्चे का नाड़क हो गया था, मिल नहीं रहा था। सब लोग जा चुके, बस हमें पीछे छूट गए। तो हम भी जा रहे हैं, हम बहुत पीछे हैं, करीब 3-4 किलोमीटर। और मैं लाइफ में पहली बार जा रही हूँ, है ना? हाँ। तो फिर बस, क्योंकि लाइफ में पहली बार तो बरेली में है इस समय। पहली बार बरेली में हूँ और पहली बार कोई सिख फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रही हूँ। चलो वहाँ आके मिलते हैं फिर आपसे। और पहुँच चुके हम उस जगह पे जहाँ पे आज गुरु नानक जयंती सेलिब्रेट की जा रही है। आप देख सकते हैं बहुत भीड़ है, और ये रूट भी पूरा बंद कर दिया, रोड वगैरह, और बहुत भीड़ है बाहर ही। अंदर जाके देखते कि कितनी भीड़ है। और डेकोरेशन भी यहाँ बहुत अच्छा किया हुआ है, वाव, बलून्स लगाए हैं बहुत सुंदर। थोड़ी देर हमने कीर्तन सुना और अब हम आ गए लंगर चखने। लंगर चखने के बाद एक बार हम बाहर थोड़ा घूमेंगे, फिर जाएंगे घर। हम लोग पहुंच चुके हैं घर, घर नहीं मतलब घर जा रहे हैं अब। और बहुत अच्छा लगा हमें वहाँ पे, मैं पहली बार गई, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और अब हम पहुंच रहे हैं घर, घर जाके पियेंगे चाय और प्रीत बनाएंगे आज चाय, फिर बोलेंगे आपको हाय, ठीक है? उसके बाद बोलेंगे बाय। प्रीत ने ऑन कैमरा प्रॉमिस किया कि वो चाय बनाएंगे। प्रीत इतने मास्टरमाइंड है। मैंने प्रीत को बोला, प्रीत अपने कपड़े फोल्ड कर रहे थे, तो मैंने बोला कि क्या आप मेरे भी कपड़े फोल्ड कर सकते हो? तो कह रहे हैं हाँ मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे कपड़े प्रेस करें, सॉरी फोल्ड करें। और फिर कह रहे हैं कि क्या बोलते हैं, आप तेरे को चाय बनानी पड़ेगी। मैंने एक काम कर दिया, तेरे कपड़े फोल्ड कर दिए, आप तू चाय बनाएगी। सो आप देख, प्रीत के बारे में ज़्यादा नहीं कहती, फिर ऐसा लगता है कि मैं प्रीत की बहुत बुराई कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं है, मैं बुराई नहीं करती हूँ, बस हम एक दूसरे को छेड़ते रहते हैं। मेरे कपड़े तह लगाएं, ये जो मैं कह रही थी कि प्रीत मेरे कपड़े तह लगाएंगे, मैं तेरे कपड़े तह लगाऊंगा और तू चाय बनाना। बस मेरा ये तह लगा के ऐसे रखा है प्रीत ने, ये पजामा पैंट, और ये मेरा सूट है, ये मेरा स्वेटर है, ये मेरा दुपट्टा। अब जाके जब मैंने व्लॉग बनाना शुरू किया, तो चुपके से प्रीत ने दुपट्टा पकड़ के दुपट्टा फोल्ड करना शुरू किया। दुपट्टा के लिए लग नहीं रहा, वो भारी है ना, मुड़ जा रहा है पकड़ से। और ये रही हमारी चाय फाइनली। कितने भी दूर से थक हार के घर आओ, बट जब अपने घर की चाय ना, सारी थकान मिटा देती है। Later that same evening. So, हम आए थे प्रीत के लिए जीन्स लेने, और हमने ले लिए प्रीत के लिए जीन्स, है ना? Yeah. और हम जब भी निकलते तो हमें रात ही हो जाती है। चलो कहाँ हमारा स्कूटी? बाहर निकले ही थे तो मैंने सोचा अपने लिए शूज भी खरीद लेते हैं। सो हम खरीद रहे हैं मेरे लिए शूज़। और एक बार में मुझे कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो फिर मुझे वही चाहिए होती है। उन्होंने मुझे काफ़ी सारे शूज़ दिखाए, बट मैंने एक नज़र भी नहीं डाली उनमें, क्योंकि मुझे कोई पसंद ही नहीं आ रहे थे। और मुझे ब्लैक ही लेना था, ब्लैक या वाइट, वाइट यहाँ पर थे नहीं। पूर्णिमा, और पूर्णिमा का चांद देखो कितना सुंदर लग रहा है, ये फुल मून। अब हम आए सलोन और मैं करी प्रीत का वेट, प्रीत अंदर, तब तक मैं किसी को कॉल करके बात कर लेती हूँ, सबसे अच्छा आइडिया। A few hours later. थक हार के अब हम पहुँच चुके हैं घर, हो चुकी है रात, बज गए 9, और हम देख रहे हैं बिग बॉस। और आज हमारा पेट बहुत भरा हुआ है, तो हम खा रहे बस मैगी, और मैगी करके सो जाएंगे, मैगी खा के सो जाएंगे। और मैं रोज़ यही पुलओवर पहनती हूँ, तो मुझे इसे याद आ रहा है ना, जैसे बिग बॉस में खानजादी है ना, रोज़ एक वाइट कलर का वो हुडी पहनती है, तो मुझे भी वैसे याद आ रही कि मैं भी खानजादी हूँ दूसरी, कि रोज़ यही पहनती हूँ। बट कुछ कुछ कपड़े ना कम्फर्ट होते हैं आपका, इसलिए। चलो बाय बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।